नमस्कार, आप देख रहे हैं सरमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी हैं। एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर महागठबंधन के जो भी दल रहे हैं उसमें आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव राबड़ी आवास पर अपने नेताओं के साथ सदस्यता अभियान का बैठक किए। बैठक करने के बाद में उन्होंने साफ तौर पर नीतीश सरकार पर हमला बोला और बोला कि आरसीपी टैक्स के बिना बिहार में कोई काम नहीं होता, उन्होंने आरोप लगाया। इस आरसीपी टैक्स के बाद बीजेपी का क्या कहना है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। तेजस्वी यादव कल के बैठक में, अपने राजनीतिक जो भी बैठक थी उसमें कहा कि जदयू ज्वाइन करना या चाहे एमएलसी बनना है एमपी बनना, कहीं ना कहीं एक आरसीपी टैक्स दिया जाता है। ये तो लारा टैक्स भूल गए हैं। लालू राबड़ी के शासन काल में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, आम से आम व्यक्ति को भी लारा टैक्स देना पड़ता था। आज उनको वही याद आ रही है इसलिए दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई अगर बिहार में रहता था और उसको रहने की सजा भुगतनी पड़ती थी, उनको टैक्स देना पड़ता था। कितने यहां ऑटोमोबाइल्स के दुकान बंद हो गए, एजेंसियां थी उनसे जबरदस्ती गाड़ियां उठाकर ले लिया जाता था। कोई भी दुकान को, कोई भी एजेंसी को, कोई भी प्रतिष्ठान को सीधे तौर पर चला जाता था पुर्जा और उसको देना है। बड़े बड़े डॉक्टर छोड़ छोड़ भाग गए, कोचिंग चलाने वाले लोग, यहां के बच्चे पढ़ने वाले भी और कोचिंग चलाने वाले भी यहां से बंद कर और कोटा जैसे जगह या अन्य जगहों पर चले गए। इसलिए उनको लारा टैक्स देना पड़ता था। बगैर लारा टैक्स के बिहार में कोई न उद्योग धंधा कर सकता है, कोई रोजगार व्यापार नहीं कर सकता है और कोई रह नहीं सकता है। अपहरण होती थी, वो लारा टैक्स था और सत्ता के संरक्षण में होता था। अगर सत्ता के पास कोई सरकार के पास जाके शिकायत करता था तो उसका टैक्स बढ़ जाता था कि तुमने शिकायत क्यों किया। उसको छोड़ने के एवज में राशि डेढ़ गुना और दो गुना हो जाता था। वो तो आज तो आरोप लगाएंगे, इसलिए कि आज लोग निर्भीक होकर रह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ना अपराधी का चिंता है ना अपराध का चिंता है। लोग निर्भीक रहकर होकर अपना रोजगार व्यापार व्यवसाय और इस राज्य के अंदर में करते हैं, इसलिए उनको ये कठिन लग रहा है, कठिनाई हो रहा है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। सहयोगी अमन के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।